अरे पंचशील रंग में ओढ़ियों चुनरिया ताली बजा के और पिया ने चल मौसम के साथ चुनरिया बंद ना करे पंचशील रंग में ओढ़िलूं चुनरिया रे पंचशील रंग में ओढ़िलूं चुनरिया रे पिया ने चल मोई पिया ने चल मोई शंकिता कतरिया रे पिया ने चल मोई शंकिता कतरिया रे बहन जी और उनके पति महाराज तो बहन जी की
से नहीं कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ऐसे ही बहन जी की आदत थी कि वो अपने पति की कभी बात नहीं मानती थी। बड़ी पुरानी कहावत है, जिस काम के लिए पति महाराज कहते थे वो काम कभी नहीं करती थी। ऐसा करते करते पति को बहुत गुस्सा आया, बोले ये मेरी बात नहीं सुनती है, अरे हम इनके पति हैं, ये मेरी पत्नी है, आज तक इन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। जो काम पति महाराज बताते थे वो उसका उल्टा करती थी। जब पति महाराज बहुत हल गए, परेशान हो गए, इधर धर्म प्रेमियों कार्तिक पूर्णमासी आ गई, तो आपके पड़ोस में तो फरकाबाद है, अभी भी लोगों की मान सकता है कि गंगा स्नान कर लो तो पाप कट जाएंगे। क्यों भैया लोगों, सही कह रही हूं ना, अभी भी लोग कहते हैं कि गंगा स्नान कर लो तो पाप कट जाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि जल से केवल शरीर की गोबर गंदगी को धो सकते हो, लेकिन मन को धोने के लिए तुम्हें धर्म की आवश्यकता है, शील की आवश्यकता है, अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। पति को बड़ा गुस्सा था अपनी पत्नी पे। इधर कार्तिक पूर्णमासी आ गई, सब लोग गंगा नहाने जाने वाले थे। पति घर में जाके बोले, अरे जाए सो जाए, हम नहीं जाने वाले गंगा गंगा पे। पति का उद्देश्य दूसरा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। जब पति ने कहा हम नहीं जाते गंगा गंगा पे नहाने, एकदम अंदर से बहन जी की आवाज आई, तुम्हें तो ना गया, मैं तो जाइए। आवाज क्यों आई, क्योंकि जो बात पति कहता था ना वो उसका उल्टा करती थी। अब उन्होंने मना किया तो पत्नी ने तुरंत अंदर से आवाज दी कि तुम ही तो नहीं जाओगे, हम तो जाएंगे। पति ने कहा मन में सोचा, जब तो हम चाहते ही थे कि तुम चलो, अगर हम कहेंगे तो जाओगी नहीं। पति महाराज बोले कैसे न कैसे ये चले एक बार, हमेशा के लिए इससे पीछा छुट जाएगा। पति महाराज बोले देखो नहाने क्या जा रहे, कैसे पूरी बना बना के रख के ले जा रहे, जैसे दो चार दिन रुकेंगे। अब पत्नी बोली अरे पूरी बनाए सो बनाए, मेरा बस चले, हम तो लड्डू बना के ले जाए साथ में। हमेशा उल्टा चलती थी, किसी ना किसी तरह से ले गए वहां पे, पति को भी ले गई, क्योंकि पति बहुत परेशान था और जानता था कि मेरी पत्नी हमेशा उल्टा चलती है। नहाने का नंबर आया, उसे तो पीछा छुड़ाना था। एकदम बोला सुनो क्या बात है। पत्नी बोली क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। पति ने कहा एक काम करना, किनारे पे बैठ के नहा लेना, ज्यादा अंदर मत जाना। पत्नी बोली और क्या, किनारे पे बैठ के नहा ले, अरे साल में एक बार नहाने का मौका मिलता है, अरे हम तो डुबकी लगाएंगे। ऐसा कहते कहते अंदर घुस गई, देख लेना अंदर घुस गई। पति ने मना किया, हमेशा उसका विपरीत दिशा में कार्य करती थी। पति ने कहा किनारे पे ना हो, लेकिन बहन जी अंदर घुस गई और ऐसी घुस गई कि निकल के आज तक नहीं आई, चली गई उसी में। अब पति बेचारा थका के लौट आया। जिंदगी में कभी ना कभी किसी की बात मानना भी जरूरी होता है। माता बहनों मेरी बात को समझो, कहा भी गया है कि जान ने पूछ न रहते भिटाई और ऐसा बूढ़े थाक पर। अरे जब जागे तभी सवेरा, जब नहीं जानते थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जान गए हो तो देर क्यों करते हो। और एक बात यहाँ पर पहली बार पता हो रही, कुछ लोग कहेंगे भैया अब हम धीरे धीरे सुधरे, क्या कहेंगे अब हम धीरे धीरे सुधरे, लेकिन जिसके आगे धीरे धीरे लग जाए, आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ, जिसके आगे धीरे धीरे लग जाए समझो वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो माता बहनों जरा ताली बजा के बोलो,
प्यार से बोलो, एक बार ऊंची बात में जाके बोलो हमारे साथ में। ऐसे नहीं मानूंगी मैं, सब लोग मिलके बोलो, पिया ने चल बोल, पिया ने चल बोल, पिया ने चल बोल, नगरिया रे, पिया ने चल बोल, नगरिया रे, पिया ने चल बोल, चलो कोई शक्ति का चलो।